क्या आपको पता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आप जानते हैं भारत की पहली फिल्म कौन सी थी और किसने बनाई थी? क्या आपको पता है पहले फिल्म बनाने के लिए कितने रुपए लगे थे और ये फिल्म कहां पर रिलीज हुई थी? आइए जानते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको गर्व महसूस कराएगी। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जीजेंस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में, इंडियन सिनेमा की शुरुआत के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फादर है दादा साहेब फालके, जिनकी वजह से आज भारत में सिनेमा है और फिल्म प्रोडक्शन के मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर हर साल 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं और रिलीज होती हैं। यहाँ पर करीबन 27 लैंग्वेजेस में फिल्में बनती हैं। दादा साहेब फालके का जन्म 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र के नासिक के नज़दीक त्र्यंबकेश्वर नाम के तीर्थस्थल पर हुआ था। दादा साहेब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे जिनका वास्तविक नाम था ढूंढीराज गोविंद फालके और उनके पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे। 1885 में जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया था और उस वक्त जे स्कूल ऑफ आर्ट कला का बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता था। 1890 में वहाँ से चित्रलेखा सीखने के बाद उन्होंने गुजरात के बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी के कला भवन में एडमिशन लिया और वहाँ पर उन्होंने चित्रलेखा के साथ साथ फोटोग्राफी और स्थापत्य कला का भी अध्ययन किया। अब कला और फोटोग्राफी सीखने के बाद उन्होंने गुजरात के गोधरा में फोटोग्राफर का काम शुरू किया, लेकिन उनको ये काम बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि प्लेग के कारण उनकी पत्नी और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो जर्मन जादूगर कार्ल हर्ट से मिले और 1903 में दादा साहेब ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एज अ ड्राफ्टमैन ज्वाइन किया, लेकिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के चलते हुए उनको ये काम भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने प्रिंटिंग का बिजनेस ज्वाइन किया और उस वक्त के बड़े पेंटर राजा रवि वर्मा के साथ काम किया। बाद में उन्होंने खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया लेकिन उसको भी बंद करना पड़ा। लेकिन उनकी लाइफ में उनकी दुनिया बदलने वाला पल तब आया जब उन्होंने साइलेंट फिल्म लाइफ ऑफ क्रिस देखी। तब उनके मन में फिल्म जगत में प्रवेश करने की भावना जागी और 1910 में जब उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी तब उन्होंने फिल्म बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कई सारे इंग्लिश फिल्में देखी और उन फिल्मों में यूज़ होने वाले टेक्निक और सिस्टम की अच्छे से जानकारी ली। जब दादा साहेब ने मानसिक रूप से फिल्म जगत में आने का फैसला कर लिया था तब उनको फिल्म के रिलेटेड कुछ मशीन्स और कैमराज लाने के लिए इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और कुछ पैसे बीमा पॉलिसी से निकाले और 1912 में वो पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड गए। वहाँ पर 2 महीने रहे और फिल्म बनाने के हर पहलू को उन्होंने अच्छे से सीखा और वो जब भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई ताकि वो इंग्लैंड से लाए गए कैमरास को और मशीन्स को अच्छे से चेक कर सके, अच्छे से सीख सके। अब आगे बड़ी फिल्म बनाने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे क्योंकि सारे पैसे तो खर्च हो चुके थे। तो ऐसे टाइम पर उनकी दूसरी पत्नी ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसों का अरेंजमेंट किया था। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार किया। फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई, उन्होंने पेपर में ऐड दी और बहुत लोग उनके पास आए, लेकिन फिल्म के फीमेल लीड कैरेक्टर महारानी तारामती के लिए उनको कोई आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई भी औरत फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने सालू के नाम के एक युवक को यह कैरेक्टर दिया जो उस वक्त मुंबई के एक होटल में रसोईया था। दादा साहेब फालके ने सेट डिजाइनिंग, स्टोरी प्रोडक्शन, डायरेक्शन, फोटोग्राफी सब कुछ खुद ही किया था और इस फिल्म को बनाने में उस वक्त 15,000 रुपये का खर्चा हुआ था जो एक बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। और इतने लंबे और कठोर परिश्रम के बाद 3 मई 1913 को ये फिल्म मुंबई के कॉरोनेशन थिएटर में रिलीज हुई जो एक साइलेंट फिल्म थी और उस दिन हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जन्म हुआ। दादा साहेब को उस वक्त फॉरेन कंट्रीज से फिल्म्स के ऑफर थे लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा। अगर आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस मुकाम पर है तो उसका पूरा श्रेय दादा साहेब फालके को जाता है। ओके, दिन आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ। वी हैव क्रॉस्ड 50,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।